press the bell icon on the YouTube app and never. शायद लोगों ने सोचा कि आपको भी नूपुर शर्मा की तरह जो है वो एक एग्जांपल बना के पेश किया जाए। सबसे पहले जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। हां जी, पिछले दो दिन से शिवम दुबे की धर्म पत्नी ही कहूंगी, धर्म पत्नी अंजुम खान दुबे साहिबा मेरे पीछे पड़ गई और बेवजह पीछे पड़ गई। कभी ट्विटर पे मेरे खिलाफ लिख रही हैं, कभी मेरे मुंह पर एक बॉयकॉट का स्टैंप लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने नोटिस के माध्यम से सिर्फ उनसे इतना पूछा है कि इस्लाम के हिसाब से क्या आपके बच्चे जायज हैं या नाजायज हैं। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा है कि ये जो निकाह की तस्वीर आपने अपने सोशल आईडी पर डाला है, तो क्या शिवम दुबे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और अगर इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो बराबर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे संजय दीक्षित जी को, जो कि भारत के एक पूर्व आईएएस हैं, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िर अली खान जी, जिनसे आजकल जो शिवम दुबे क्रिकेटर हैं, जी हां, भारतीय टीम के जो क्रिकेटर शिवम दुबे हैं, उनकी वाइफ अंजुम ने आजकल पंगा ले लिया है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें नाज़िर अली खान जी अंजुम का जवाब भी देंगी और वक्फ बोर्ड को भी एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी जानते होंगे सोशल मीडिया पे काफी लोकप्रिय है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और एडवोकेट भी है, तो ये बड़ा डिवेस्टेटिंग कॉम्बिनेशन है। तो हमारे मुल्ला मौलाना लोग जो है वो सावधान रहे, ज़्यादा जो है इनसे जो आप छेड़छाड़ ना करें। लेकिन ये बताएं नाज़िया जी, शुरुआत में करती हूँ कि अभी आपके विरुद्ध शिवम दुबे की पत्नी ने आपको गुस्ताख करार कर दिया और कहा कि साहब कि आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, तो अभी तक आपके खिलाफ सर तन से जुदा का फतवा जारी नहीं हुआ। शायद लोगों ने सोचा कि आपको भी नूपुर शर्मा की तरह जो है वो एक एग्जांपल बना के पेश किया जाए। सबसे पहले जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। हां जी, पिछले दो दिन से शिवम दुबे की धर्म पत्नी ही कहूंगी, धर्म पत्नी अंजुम खान दुबे साहिबा मेरे पीछे पड़ गई और बेवजह पीछे पड़ गई। कभी ट्विटर पे मेरे खिलाफ लिख रही हैं, कभी मेरे मुंह पर एक बॉयकॉट का स्टैंप लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने नोटिस के माध्यम से सिर्फ उनसे इतना पूछा है कि इस्लाम के हिसाब से क्या आपके बच्चे जायज हैं या नाजायज हैं। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा है कि ये जो निकाह की तस्वीर आपने अपने सोशल आईडी पर डाला है, तो क्या शिवम दुबे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और अगर इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी ये नाम भी चेंज कर लें, शिवम दुबे ना रखें, और अगर इस्लाम कबूल नहीं किए हैं तो इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से ना ही आपका निकाह हुआ है, क्योंकि सूरह अल बकरा के हिसाब से दो ब्राइड और ग्रूम दोनों को हम कलमा होना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। तो मेरे बारे में चिंता ना करें, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में बताएं कि क्या भारत देश के मुल्ला मौलवी उनके बच्चों को जायज समझते हैं कि ना समझते हैं। वो तो देख लेनी चाहिए, मुझे पता नहीं है कि वो देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं, नहीं तो अगर हमारे जो है वो अहमद रजा बरेलवी साहब जिंदा होते तो तुरंत ही खारिज कर देते। इसके अलावा ये जो इस समय एक चरण चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट को लेके, तो ये वक्फ अमेंडमेंट को लेके क्या समस्या है मुल्ला मौलवियों को एक तरफ से, क्योंकि जहाँ तक देखिए, मैं भी डिस्क्लोज कर दूँ कि मैंने भी वक्फ अमेंडमेंट वक्फ के खिलाफ या वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ रिट लगाई थी, जैसे कि बहुत सारे अन्य लोगों ने भी लगाई थी। तो इसमें चूंकि आप इस समय इनके संपर्क में हैं, लोगों के आम मुसलमान के जहन में वक्फ को लेके क्या धारणा है?
मैंने इंदौर का दौरा किया और वहां पर कई मुसलमानों से मैंने बात किया और वक्फ के संशोधन को लेकर के किया। और अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में भी मैंने कई लोगों से बातचीत की है और कई लोगों ने मुझे कहा है कि बिल्कुल हर हाल में वक्त आ चुका है मैडम के वक्फ पर संशोधन होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूंगी संजय जी कि कुछ नया तो नहीं हो रहा है, कुछ नया तो नहीं हो रहा है। अब हालिया में 2013 में हुआ था, तब तो ये मौलवी मुल्ला पजामे का नाड़ा पकड़ करके बड़े खुश हो रहे थे, उछल रहे थे कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ, मतलब और ताकत मिली तो अच्छा हुआ। अब बात आती है कि अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो आखिर भारत देश के मौलवी मुल्ला 1937 के जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए शरिया लॉ को मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और 1931 के ब्रिटिश के और लियाकत के एस्टैब्लिश किए हुए वक्त वक्फ बोर्ड को उसी तरीके से मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर के मुसलमान उम्मते रसूल हैं या सुन्नते रसूल हैं या फिर ब्रिटिश के दल्ले हैं या चापलूस हैं, ये भी समझने वाली बात है। आखिर ये मुसलमान केक काटना तो बड़ा बड़ा आदर और मान सम्मान की बात समझते हैं, एनिवर्सरी मनाना और बर्थडे मनाना तो बहुत मान सम्मान की बात समझते हैं, पर भारत की सभ्यता और भारत के संविधान से इनको इतनी नफरत क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ देश के मुसलमानों से कि क्या पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है, क्या अरब में वक्फ बोर्ड है, क्या जब 1947 में जब देश आजाद हुआ और उस वक्त जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की संपत्ति तो वहां के हिंदुओं को नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली, तो यहां से जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति वक्फ बोर्ड ने लेकर के उसको 4 एकड़ घोषित भी कर दिया कि 4 लाख एकड़ हमारी थी। ठीक है, अब बात आती है कि जो हिंदुओं की लाशें बंटवारे के वक्त ट्रेन में भर भर करके आ रही थी, क्या देश का हिंदू भूल गया है? क्या भारत देश का हिंदू इस बात को भूल गया है? अरे राहुल गांधी तो भूलेंगे ही, क्योंकि वो घर के अंदर क्रिश्चियन बन जाते हैं, बाबर के कब्रिस्तान जाते हैं तो मुगले आजम बन जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं तो पीर बाबा के वो मुरीर बन जाते हैं, और जब संसद के पटल पर खड़े होते हैं तो मुसलमान के चापलूस बन जाते हैं। ये तो उनका उनका तो चर्चा यहाँ पर है, लेकिन मैं इस देश के हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, मैं विपक्षी दलों से पूछना चाहती हूँ कि वो जो भरी हुए ट्रेन में हिंदुओं की लाशें आती थी पाकिस्तान से, क्या वो भूल चुके हो? जो आज वक्फ बोर्ड के संशोधन पे तुम उंगलियां उठा रहे हो, तुम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, कहां से आई है ये 9.4 लाख एकड़ जमीन? कहां से आ गई वक्फ बोर्ड के पास? इस पूरे देश में 200 दाढ़ी वाले और टोपी वाले क्या 9.4 लाख एकड़ जमीन को संभालने के काबिल है? अब मैं संजय जी आपको बताना चाहती हूँ आंकड़े कुछ। जी 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 जरूर बताइए। 2017 में यही मुतवल्ली आपस में विधवा रोना रो रहे थे, 2017 में यही मुतवल्ली आपस में एक दूसरे को मार पीटने की नौबत आ चुकी थी और सारे नेशनल न्यूज ने भारत में दिखाया था कि कैसे वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, जिसको मैनेजर इंग्लिश में कहते हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच रहा था। कुछ मुतवल्लियों ने तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर घर बना करके अपनी बेटियों को जहेज में घर दिया था, कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मुतवल्लियों ने बेच करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजा था, कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी हड़प करके कर लिया है, और अभी ढकार लेने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि आखिर उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 99 ईयर का लीज बना कैसे, ये भी तो नहीं समझा पा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। अब बात आती है कि ये कैसा वक्फ बोर्ड है जिसमें ट्रिब्यूनल भी आपका, जिसमें कोर्ट भी आपका, जिसमें जज भी आपका, जिसमें जजमेंट भी आपका, ये कैसा है? मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के सभी लोगों से और खास करके अपने देश के तमाम महामहिम जजेस से पूछना चाहती हूँ कि क्या LLB की पढ़ाई पढ़ते वक्त ये बुक पढ़ा था, ये हमारे चैप्टर में था, ये हमारे सिलेबस में था? नहीं था, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं था। द वक्फ एक्ट 1995 हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे चैप्टर में LLB में नहीं है, क्यों छुपा कर रखा गया है इसको? क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने बच्चे LLB की पढ़ाई करते हैं वो इसको क्यों नहीं पढ़ सकते हैं?
क्या राज है इसमें, तो अब उस राज को खोलती हूँ। संशोधन 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में हो तो बड़ा मजा आता है, पर संशोधन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो जाए तो बड़ा बुरा लग जाता है, ऐसा आखिर क्यों? चैप्टर 3 वक्फबोर्ड एक्ट 1995 चैप्टर 3 सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। तो ना ही असंवैधानिक इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है, और ना ही ये जो अलग से वक्फ एक्ट बना हुआ है इसमें भी उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। अब बात आती है कि सेक्शन 40 क्या कह रहा है। सेक्शन 40 ये कह रहा है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का कि जिस पर हाथ रख दिया बस वो वक्फ बोर्ड का हो गया, आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आप हियरिंग भी नहीं होगी, हियरिंग भी नहीं होगी, नोटिस भी नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।